राम राम जी सारे ने, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट वाली सलवार की कटिंग करना। तो चौंती लंबाई के हिसाब से आज मैं आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मैंने सलवार कटिंग करने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने 2 लेयर में बिछा लिया है। 2 लेयर में बिछाने के बाद यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, याडा बना यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है, इसके पास से हम लंबाई रखेंगे। तो लंबाई ये मैंने 34 साइज की बनानी है, तो 34 में से हम 5 इंच माइनस करेंगे। पाँच इंच माइनस करने के बाद बचेगा 29 इंच। 29 में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा ये 30 इंच। तो 30 इंच पे निशान लगा लेंगे तख्ते के लिए। तो सामना देखने के लिए सेंटर में भी इस तरह से निशान लगा देंगे और इस तरफ भी निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसमें ये मैंने यहाँ से जो आडापन था इसके लिए मैंने एक सीधी लाइन खींची थी, तो इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। अब इसमें से पहले हम साथ में ही बेल्ट भी निकालेंगे तख्ते में से। तो वो कैसे निकालेंगे ये देखिए, यहाँ से हम तख्तों को निकालने के लिए इसमें से जितने चौड़े रखने हैं तो हम अपनी मोरी के हिसाब से रखेंगे। जैसे कि मैंने मोरी इसमें 5.5 इंच रखनी है, तो मैं डबल में इस तरह से 6.5 के तख्ते कट कर लूँगी। तो ये मैंने 6.5 के तख्ते यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लूँगी और जो ये एक्स्ट्रा बचेगा इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। ये तख्ते कटिंग कर लिए हैं और तख्ते के सेंटर में कट लगा लें। जब हम सलवार में चुंगट डालेंगे तो इस कट का ध्यान रखना है। अब इसमें से हम बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई देख लेंगे। जो बेल्ट की लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखनी है, इसमें 2 सूत ज़्यादा है तो ये चल जाएगा। और यहाँ से लंबाई मैंने चौड़ाई सॉरी तो ये 22 इंच रखनी है, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे ये ज्वाइंट है तो ये मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। अब इसकी कली की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, कली के लिए कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे। ये मैंने कली के लिए 2 लेयर में ही कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को बिछाने के बाद अब हम कली पे भी पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हम कली की कितनी रखेंगे, जितनी तख्ते की लंबाई रखी है 30 इंच ही हम कली की लंबाई रख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगाया और इसके ऊपर हम 9 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे। जो ये कली की लंबाई का निशान है इससे ऊपर 9 इंच का एक और निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 9 इंच का निशान लगा लिया है और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने कली की लंबाई रखी है इसमें हम 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। तो ये मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया और सेम इस तरफ भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। इस तरफ पहले क्या करेंगे, यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे आसन के लिए और 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरफ भी लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम कली की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 30 इंच पे इस तरफ कली की लंबाई का निशान लगा लिया है। अब ये देखिए, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो जो बचना वो एक तरफ ही बचेगा, इसे आप ज़्यादा पतले भी नहीं होगे और बहुत ही आसान सा मैंने आपको कली निकालने का तरीका बताया है। अब जो ये 1.5 इंच अंदर की तरफ लिया दोनों तरफ से इन निशानों को मिला लेंगे ऐसे। इस तरीके से आप किसी भी साइज के लिए सलवार को कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने निशान लगा लिया है, ये हमारी 4 कली होंगी, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ।
अब जो ये एक्स्ट्रा बचा है इसको भी हम यहाँ से सीधा करके कट कर लेंगे। तो ये मैंने निशान कलियों के लगा लिए हैं, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले यहाँ से एक्स्ट्रे को कट कर देंगे। ये मैंने कली की कटिंग कर ली है और ये कपड़ा इसमें से एक्स्ट्रा बचा है जो कि आप मोरी के लिए यूज कर सकते हो। अब ये देखिए एक साइड ओपन है और एक साइड ये ज्वाइंट है कली में, तो यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इस तरफ का ज्वाइंट को भी कट कर लिया है। ये मैंने आपको 34 साइज के हिसाब से बेल्ट वाली सलवार की कटिंग करना बताया है। इस मेथड से आप किसी भी साइज के लिए सलवार को कटिंग कर सकते हो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।